ठंडी ठंडी हवाएं, सुबह सवेरे धुंध के डेरे, फिर सूरज और बादलों की आंख मचोली, शहर में सर्दी की शदीद लहर बरकरार। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे मौसम जून का तू रहने की पेशगोई कर दी। शदीद ठंड में तवानाई बहरान ने जो सर उठाया तो आवाम की जिंदगी अजीरन बन गई। घरों के चूल्हों में गैस नहीं, बिजली की बार बार बंदिश से अंधेरे भी छाए हैं। एलपीजी माफिया ने भी हद कर दी। एलपीजी 115 रुपए की बजाय 185 से 200 रुपए किलो में फरोख्त। लकड़ी, कोयले समेत ईंधन के दीगर मतबादल जराए की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। शहरी दोहरी अजियत का शिकार। तवानाई का बहरान, ऊपर से महंगाई के घेरे, आवाम फंस कर रह गई। एक ही रोज में मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में 5 रुपए तक इजाफा। आलू, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हर सब्जी महंगी। सरकारी रेट लिस्ट पर 1% भी अमल दरामद नहीं हो रहा। महंगाई के खिलाफ ऐप का मुलाजमीन भी सड़कों पर आने के लिए तैयार। मुतालबात की अदम मंजूरी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ सुबह भर के ऐप का मुलाजमीन आज पंजाब असेंबली के सामने मुजाहरा करेंगे। जमीनों पर कब्जे का मामला, खोखर बरादरान की एक मरतबा फिर अदालत पेशी। सेशन कोर्ट ने अफजल खोखर, सैफुल मलूक खोखर और शफी खोखर की अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। 19 जनवरी तक पुलिस से रिपोर्ट तलब। वफाकी मोतसिब की जानिब से हाई कोर्ट के फाजिल जज को तौहीन अदालत के नोटिस का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल, वफाकी मोतसिब और 5 एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी मोतसिब के नुमाइंदे का पेश ना होना काबिल अफसोस है। आइंदा समाअत पर ऐसा हुआ तो अदालत के इसका फैसला सुना देगी सुप्रीम कोर्ट। और न्यूज की निशानदही पर एक और सरकारी दायरे का भला। महकमा माहौलियात ने फिजाई आलूदगी के डेटा से मुतालिक इबहाम दूर कर दिया। महकमे की ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर आलूदगी इंडेक्स यकसां कर दिया गया। गुज़िश्ता कई दिनों से फिजाई आलूदगी का मतजाद इंडेक्स देने से शहरी तजब्ज़ुब का शिकार थे। मजंग टीचिंग हॉस्पिटल में हेपेटाइटिस फिल्टर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने किया। इमरजेंसी में मुफ्त अद्वियात फराहम कर रहे हैं। साल के आखिर तक सूबे भर में हेल्थ कार्ड तकसीम कर देंगे। यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर बार के सालाना इंतखाबात, इंतखाबी मुहिम हतमी मराहल में दाखिल। 10 जनवरी को रात 12 बजे तक इंतखाबी मुहिम खत्म। इलेक्शन बोर्ड ने तमाम उम्मीदवारों को सख्ती से ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन 12 जनवरी को होंगे। तैयारों की कमी और दीगर तकनीकी वजूहात, लाहौर एयरपोर्ट पर 21 परवाजें तखीर का शिकार। 9 उड़ान ही ना भर सकी, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। और आपकी खिदमत में लाहौर न्यूज, एक कदम और आगे। अगर गंदगी और ताफुन से आपका इलाका कचरा कुंडी बन चुका, कूड़े और गंदगी की फौरी फुटेज या तस्वीर बनाएं और भेज दें लाहौर न्यूज के नंबर पर। हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे अरबाब इख्तियार तक।